हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 34 साइज़ का। और कटिंग से लेके फिटिंग तक आप एक ही वीडियो में सारी चीज़ें सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत ही डिटेल में मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखूँगी और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 34 साइज़ के लिए 80 सेंटीमीटर ही आप पीस लीजिएगा अस्तर का, और जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है ब्लाउज़ का उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा यहाँ पर। और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ, पर अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाना चाहें तो मैं उसकी भी आपको बता दूँगी जानकारी कि किस तरीके से आपको इसे कटिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए, 14.5 इंच मैंने लेंथ लिया है यहाँ पर ब्लाउज़ का बैक पार्ट का, क्योंकि 13.5 इंच मुझे तैयार रखना है। एक लाइन ड्रॉ करके इसे ऊपर से मैंने सीधा कर लिया है और एक लाइन ड्रॉ करके मैंने नीचे से भी कपड़े को सीधा करा है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और 34 साइज़ के लिए डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिए हैं मैंने 5 इंच। शोल्डर हमने रखने हैं यहाँ पर 5 इंच डीप नेक के लिए, और आर्म होल्स लिए हैं 5.5 इंच, शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल्स लिए हैं 5.5 इंच, और चेस्ट का फोर्थ पार्ट का मार्किंग आपको यहाँ पर करना है इस तरीके से 8.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। मार्जिन अगर आप ब्लाउज़ में चाहें तो 2 इंच तक आप रख सकते हैं। और देखिए, डीप नेक में हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ करके मार्क करना होता है इस तरीके से। ये तिरछी लाइन हमें सिर्फ डीप नेक में ही करनी होती है। आर्म होल की गोलाई आप 1/4 इंच पर दीजिएगा इस तरीके से। आर्म होल की जो मैंने गोलाई की है वो 1.25 इंच पर की है बैक पार्ट के लिए। और कमर है यहाँ पर हमारी 28 इंच, उसका फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच हम एक्स्ट्रा और लेते हैं कमर में, जो बैक पार्ट में हम प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कम्प्लीट कर ली है और अब हम इसे कट करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से हम इसी तरीके से प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही। ये देखिए, यहाँ पर नीचे से भी आप इसे कट कर लीजिएगा। और ये जो प्रॉब्लम आती है ब्लाउज़ में, आपका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बड़ा छोटा होता है, वो भी मैं आपको फ़िटिंग के लिए बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फ़िटिंग करना है। तो फिटिंग वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, कपड़े को मैंने दूसरी तरफ से अपनी तरफ फोल्ड करके रख लिया है, और यहाँ पर अगर आपका कपड़ा नीचे से सीधा नहीं है तो पहले आप उसे सीधा कीजिएगा। और प्रिंसेस कट पार्ट में हम हमेशा यहाँ पर नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लेंथ में। आपको फ्रंट पार्ट में लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर हैवी साइज़ होता है 38 या 38 से ज़्यादा तो आप 0.25 इंच लीजिएगा, 0.75 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। और अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाते हैं तो 1/2 इंच यहाँ से आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लेना है, और उसे छोड़ते हुए बाकी सारी मार्किंग आपको करनी है। पर मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ, तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे रख लेना है फ्रंट पार्ट के ऊपर। आपको बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना है और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे, और नीचे से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमने बैक पार्ट को हटा लिया है। इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, साइड से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे प्रिंसेस कट के लिए। ब्लाउज़ में तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा ही है, पर उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना होता है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने ऊपर से 1 इंच लिया है और नीचे से 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा। आप ज़्यादा ले लेंगे तो चलेगा, पर आपको कम नहीं लेना है यहाँ पर। जितना मार्जिन मैंने बताया है उतना ही यहाँ पर आपको लेना है इस तरीके से, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट को कटिंग करते हैं बीच में से तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो ये मार्जिन के अलावा हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, आर्म उस तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ कमर की तरफ से 1.5 इंच। अब आपको यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक फ्रंट का हम बुकरम पे बनाएंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर मार्किंग बता देती हूँ। देखिए, नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच। अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो आप थोड़ी बढ़ाकर ले सकते हैं, पर अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो आपको 2 इंच ही रखनी है नेक की विड्थ। नेक की लेंथ रखी है मैंने 6.5 इंच और नेक की विड्थ रखी है 2 इंच। नीचे से आप चाहें तो नेक को थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। नीचे से नेक की विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच, और यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। बैक ओपन में अगर आप फ्रंट का नेक डिज़ाइनर बनाना चाहें तो आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर हमने 3.5 इंच रखा है विड्थ में, 3.5 इंच लिया है विड्थ में। टक्स पॉइंट आपको 34 साइज में रखना है 10.5 इंच रखना है टक्स पॉइंट आपको।
और यहाँ पर इस तरीके से टक्स पॉइंट वाले लाइन को आप सीधा कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ से थोड़ा सा मेज़रमेंट आप बढ़ा के लीजिएगा, 4.25 इंच लेना है आपको। यहाँ पर 3.75 इंच आप विड्थ में लीजिएगा यहाँ पर इस तरीके से, और इस लाइन को आप टक्स पॉइंट वाली लाइन को नीचे मिला दें इस तरीके से। अब आप इस लाइन को मिलाएंगे आर्म होल की तरफ। तो ये शेप देने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये शेप अच्छे से आएगा तभी हमारा प्रिंसेस कट का शेप भी अच्छे से आएगा। और यहाँ पर देखिए हमें विड्थ में लेना है 1.5 इंच, लेंथ में लेना है 2 इंच। ये आपको 34 साइज़ के लिए लेना है, 33 में भी आप सेम इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 33-35 में भी आप सेम लीजिए ले सकते हैं प्रिंसेस कट का, ये जो मैंने मेज़रमेंट बताया है आपको। और यहाँ पर आप इसे इस तरीके से कट करें, ये देखिए प्रिंसेस कट को हमने इस तरीके से कट कर लेना है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपको 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, अब इसको कमर की तरफ आपको ऊपर की तरफ मिला देना है। ये देखिए इसे आपको थोड़ा सा तिरछा कट कर लेना है ताकि फिटिंग में ये बड़ा छोटा ना हो। और ये पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें कटिंग करनी है स्लीव्स, तो वो भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। बैक पार्ट लेना है और 1.5 इंच मार्जिन का आपको छोड़ देना है और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। उसके बाद ये जो आर्म होल हमारा बचता है वो नाप लेना है इस तरीके से। तो ये आ रहा है 34 साइज़ में 7 इंच, इसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे क्योंकि जब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई करते हैं तो वो बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है ताकि हमारा स्लीव्स छोटा ना पड़े। अब जितना बड़ा भी आपको स्लीव्स बनाना है उतना आपको फैब्रिक यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। अगर आप बड़ी स्लीव्स निकालना चाहें तो आप कपड़ा जो है वो 1 मीटर लीजिएगा, मेरा भी यहाँ पर 1 मीटर ही है। और छोटी स्लीव्स के लिए आप 80 सेंटीमीटर का अस्तर का पीस ही ले सकते हैं, उसमें इजीली बन जाएगा। स्लीव्स की लेंथ रखी है मैंने 5 इंच, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और ये जो आर्म होल हमने बैक पार्ट का नापा था वो हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। ये हमने 7.5 इंच पर मार्क कर लिया है, 7.5 इंच पर। और इस तरीके से पहले आप एक बॉक्स बना लें यहाँ पर, और अब हम इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर। अगर आप इसमें बड़ी स्लीव्स लगाना चाहें तो आप 3 इंच पर डाउन कीजिएगा। मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स बना रही हूँ इसलिए मैंने इसे 2.5 इंच पर डाउन किया है। सभी साइज़ में आप इसी तरीके से स्लीव्स का कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप बना लेना है। जितना हमने ब्लाउज़ में मार्जिन रखा था उतना ही हमें 1.5 इंच यहाँ पर ले लेना है इस तरीके से। स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका 1/2 ले लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो ये स्लीव्स का पैटर्न हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग आपको इस तरीके से कर लेना है। अगर आपको ये स्लीव्स का शेप देने में भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान होता है ये शेप देना। आपको नहीं आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पेपर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1/2 इंच का हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए गहराई कर देंगे, और जब भी ये गहराई आप करते हैं तो आप साथ ही साथ यहाँ पर मार्किंग भी ज़रूर कर लिया करें ताकि जोड़ते समय आपको ध्यान रहता है कि पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। अगर इस पार्ट को आप बैक में अटैच कर देंगे तो फिटिंग ब्लाउज़ का जो फिटिंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। सारे ही पार्ट आपको मैन फैब्रिक पर थोड़े बढ़ाकर साइड से कट कर लेने हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये प्रिंसेस कट का पार्ट हो गया और ये स्लीव्स हो गई हमारी। और अब मैं आपको ये बैक पार्ट में नेक के लिए बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको कट करना है इसे। तो अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाते हैं तो बैक में आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पर राउंड शेप रखूँगी। नेक की विड्थ रखी है 2 इंच, 2 इंच ली है। नेक की लेंथ बैक पार्ट में रख रही हूँ मैं 9.5 इंच, और नेक बैक पार्ट का जो नेक है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना भी डीप आप रखना चाहें रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से राउंड शेप बना लिया है। नीचे से मैंने नेक की विड्थ रखी है 3 इंच, आपको अगर थोड़ा और ब्रॉड पहनना है तो आप थोड़ा और ब्रॉड कर सकते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पर बैक पार्ट का नेक भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट का नेक बता देती हूँ बुकरम पे। तो आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं या फिर आप बुकरम भी ले सकते हैं। बुकरम को मैंने डबल फोल्ड किया है। यहाँ से गले की विड्थ नापेंगे 2 इंच। नेक की फ्रंट पार्ट का जो नेक का लेंथ रखा है मैंने वो 6.5 इंच लिया है, 6.5 इंच। यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच। नीचे से नेक की विड्थ रखी है 2.5 इंच और यहाँ पर हम इसे राउंड शेप बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने ये शेप दे दिया है यहाँ इस तरीके से।
साइड से आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लीजिएगा। ऊपर से गले की विड्थ का भी आप छोड़ दीजिएगा 1/2 इंच इस तरीके से। और मैंने इसे थोड़ा सा साइड से फैला दिया है, तो वो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे ब्रॉड करते हैं तो ऊपर से आपको नेक को नहीं फैलाना है, आप नीचे से थोड़ा सा इसे ब्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीधे ऊपर से ही ब्रॉड कर देंगे तो आपके शोल्डर डाउन हो सकते हैं, इसलिए आप नीचे से इसे फैलाइएगा। ऊपर से नेक की विड्थ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर नेक को एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है हमारा अस्तर वाला उसके ऊपर रख लिया है। और चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट ही तैयार करेंगे। मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को आपको इस तरीके से रख लेना है और इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है। हाथ से आप जब भी इसे जॉइंट करते हैं तो हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएँ, ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस बिल्कुल भी ना आए और ये फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अंदर कोई सल आ रहा है तो आप उसे उसी समय खोल के ठीक कर लीजिएगा। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है यहाँ पर। अब आपको इसे डबल फोल्ड करके नेक को जॉइंट करने के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी होती है इस तरीके से। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आमने सामने रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसे भी हम सिलाई लगाकर इस यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर लेना है, दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे, तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमेशा आपको नीचे से ही जॉइंट करना है, ऊपर से नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे जॉइंट करना है और कॉर्नर पे आप इसे अच्छे से पक्का कर लें। सेम इसी तरीके से देखिए, आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी जॉइंट करना है। दोनों पार्ट आपको नीचे से ही करना है, इससे हमारे ब्लाउज़ की लेंथ बराबर रहती है। ये देखिए, और अगर आर्म होल्स तरफ से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा होता है तो आप उसे गहराई करके बराबर कर सकते हैं। अब हम अपने नेक को सिलाई लगाकर यहाँ पर अटैच करेंगे। एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके निकाल देंगे। बस हमें उतना ही फैब्रिक यहाँ पर रखना है जितना कि हम फोल्ड करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर में मार्क कर लेंगे। एक कट हम सेंटर में लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब आप इसे अटैच करेंगे, तो ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग और नेक का सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए हमें यहाँ पर सीधी एक रफ स्टिच लगा लेनी है। अब हम नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो पेस्टिंग से ये जो बुकरम है हमारा, इससे चिपकाते हुए बिल्कुल आपको सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। बस एक पैर का मार्जिन जितना ही फैब्रिक हम यहाँ पर रखेंगे। पूरे ही नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सिलाई इस तरफ करते हुए लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें गहराई देनी है, तो यहाँ से आप दोनों पार्ट को बराबर कर लें और चाहें तो एक पिन लगा लें। अच्छे से आप इसे बराबर कर लें ताकि दोनों पार्ट की गहराई हम साथ में ही कर दें यहाँ पर। तो आर्महोल की गहराई जो है आपको वो 1/2 इंच की ही देनी है। डीप नेक में हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी होती है। ये देखिए, यहाँ पर जो गहराई वाला पार्ट है वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे, तो वो आपको इस तरीके से लगानी है। कमर पट्टी हमने 1.5 इंच विड्थ में ली है और यहाँ पर इसे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अटैच कर लिया है। अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ऊपर नेक पे फिनिशिंग की सिलाई अभी मैंने नहीं लगाई है, वो हम स्टिचिंग जब हम अपना शोल्डर जॉइंट कर लेंगे तब लगाएंगे। बैक पार्ट का जो नेक है वो हम सिलाई लगा करके पलट देंगे, तो उसके लिए मैंने एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है यहाँ पर। पूरे ही नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा देने हैं, उसके बाद एक सिलाई इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े के ऊपर हम लगाएंगे। अब आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, फिनिशिंग की सिलाई हमने लगा ली है और साइड से भी सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है आपको। इसके बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम प्लेट्स डाल लेंगे यहाँ पर, और सेम इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर हाई हुक की पट्टी, तो वो आपको इस तरीके से लगानी है। ये देखिए हाई की पट्टी आपको इस तरीके से लगानी है फिनिशिंग के साथ। अब आपको इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। साइड से भी इसे सिलाई लगाकर आप कंप्लीट कर लें, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लें। अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी, तो वो आपको इस तरीके से कट कर लेना है और डबल फोल्ड करके हमने हुक की पट्टी को लगाना है, ऊपर से फोल्ड करना है। तो ये यहाँ पर हमने हाई और हुक की पट्टी लगा ली है। अब नीचे की तरफ आपको कमर पट्टी लगानी है। उससे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। कमर पट्टी भी मैंने लगा ली है और अब हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे इस तरीके से। तो स्लीव्स को आपको सिलाई लगाकर यहाँ पर पलट लेना है। अस्तर वाली स्लीव्स हम हमेशा इसी तरीके से रेडी करते हैं। अब हम साइड में सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। इसे डबल फोल्ड करके आपको चेक करना है कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके बराबर करें, सेंटर में एक कट लगा लें। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे आगे की गले की पट्टी है उसे बाहर की तरफ निकालना है और इस तरीके से आपको आधा इंच का मार्जिन रखते हुए बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर जॉइंट करना है। अब आपको गला पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये शोल्डर जॉइंट करने का फिनिशिंग के साथ। ये देखिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग दिखती है शोल्डर में। इसके बाद आप ऊपर की तरफ सिलाई लगा सकते हैं यहाँ पर नेक के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिटिंग के लिए आपको बता रही हूँ, स्लीव्स को जॉइंट करने से पहले आपको फ्रंट पार्ट का करना है यहाँ पर सेंटर मार्किंग और इस तरीके से रखना है आपको अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर और पिन लगा लेनी है। इसके बाद आपको अच्छे से हाथ से फिनिशिंग करना है और चेक करना है कहाँ से आपका एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, उसे आपको कट करके बराबर करना है बैक पार्ट के बराबर कर लेना है। दोनों तरफ आपको इसी तरीके से कर लेना है। आर्म होल्स तरफ से भी आपको कट करके बराबर करना होता है, पर थोड़ा सा ध्यान से कि आर्म होल्स हमारा बड़ा ना हो, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही आपको कट करना है। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को जॉइंट करना है और अब हम यहाँ पर सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए लगानी है। ये गूम सिलाई होती है जो हमारे ब्लाउज़ के अंदर की तरफ चली जाती है। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है यहाँ पर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है इस तरीके से और दोनों तरफ आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सिलाई लगाए आप। अब हम मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स का जो जॉइंट है वो आप हमेशा ऊपर की तरफ रखिएगा। इसके बाद सेंटर में मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8.5 इंच, कमर का 7 इंच, कमर का जो भी मेजरमेंट होता है आपका वो लीजिएगा। स्लीव्स राउंड लिया है मैंने 6 इंच, इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ का फिटिंग भी आपको इसी तरीके से कर लेना है और ये ब्लाउज़ बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।